बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सब्जेक्ट रियल एनालिसिस 1 एमटीएच 321 में लेक्चर नंबर 12 को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेनली डिफाइन करेंगे सीक्वेंसेस इन रियल नंबर्स और इनसे रिलेटेड थ्योरम्स को अटेम्प्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है कि हमें टाइम कितना अलाउ करता है कि हम कितने थ्योरम्स आज अटेम्प्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनी हाउ आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। सीक्वेंस को डिफाइन करने के बाद हम कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस डिफाइन करेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस डिफाइन करेंगे, बाउंडेड सीक्वेंसेस डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देन वी विल ट्राई टू प्रूव सम थ्योरम्स। तो 4 थ्योरम्स मैंने इसमें लिए हुए हैं, देखते हैं कि हम कितने थ्योरम्स आज के इस लेक्चर में प्रूव कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट थ्योरम है कि लेट पी एन बी ए सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स, तो देन पी एन कन्वर्जेस टू पी इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स ऑल बट फाइनाइट मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, एंड इफ Pn is a convergent sequence, then its limit is unique, that is P and P dash, then P is equal to P dash. If Pn converges, then Pn is bounded. And if E is a subset of X and P is a limit point of E, so then there exists a sequence Pn of points of E such that Pn will converge to P. So, dear students, these are 4 theorems which we will see if we can prove today. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू डिफाइन सीक्वेंस और इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इसके प्रूफ्स की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए इसको रिमेंबर, ए सीक्वेंस is a function whose domain is set of positive integers राइट। डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस को फंक्शनल नोटेशन में राइट डाउन करते हैं। सो दिस इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू आर। ओके, दिस इज ए रियल सीक्वेंस। सो इट हमेशा एन से स्टार्ट होती है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय सर्टन रूल, अंडर सर्टन रूल इसके एलिमेंट्स सीक्वेंस के अकर कर रहे होते हैं। ओके, ये हमारे पास सक्सेसिवली एलिमेंट्स अकर करते हैं जाते हैं। राइट, हम इसको आम तौर पर इट इज यूजली डिनोटेड बाय SN और ये इनके ऊपर ब्रैकेट्स हम पुट कर देते हैं। इसमें n की वेरिएशन ऑलवेज 1 to infinity होती है। ओके, ये इसकी टर्म्स होती हैं। ओके, S1 n को जब 1 पुट करेंगे, S2 S3 SN एंड स्टिल गोइंग ऑन। ओके, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, this is called second term of the sequence, this is called third term of the sequence,
This is called nth term of the sequence. And still it is going on, right? Infinite many terms. So, ये जो terms होती हैं, किसी rule के तहत successively occur कर रही होती हैं, right? Sometimes that rule can be written and sometimes that rule cannot be written. For example, अगर मैं n, so this is a sequence, if this is equal to our Sn, n is always varying from 1 to infinity, so no need to write down this. इसको shortly हम इस तरह से write down कर देंगे. So this is a sequence. इसकी terms को अगर मैं write down करूँगा, तो चूंकि this always varies from 1 to infinity, इसकी first term 1 होगी, 2 होगी, 3, 4, and going on, say 100, and still going on, and still going on. So, these are the terms of the sequences. ये sequence हमें कैसे मिल रही है? कि हम first term में जब 1 को add करते हैं, तो second term मिलती है. Second term में जब 1 को add करते हैं, तो third term मिलती है. Third term में जिस वक्त 1 को add करते हैं, तो fourth term मिलती है. और nth term में जिस वक्त 1 को add करते हैं, तो n plus 1th term मिलती है. Dear student, अगर मैं एक और सीक्वेंस लूं, सपोज 1 बाई एन, ओके, सो इसमें जब n को 1 पुट करेंगे, तो 1 ओवर 1 इज 1, देन द सेकंड टर्म इज 1 बाई 2, देन द थर्ड टर्म इज 1 बाई 3, एंड 1 बाई 4, एंड 1 बाई 5, एंड सो ऑन, एंड देन 1 बाई n समवेयर, एंड स्टिल गोइंग ऑन, राइट, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं n square ले लेता हूँ sequence, तो it will be equal to 1 square and 2 square and 3 square and 4 square and going on, or we can write 1 and 4 and 9 and 16 and 25 and 36 and still going on. So this is a sequence. A sequence is a function whose domain is set of positive integers. हमेशा ये जो domain है, n equal to 1 to infinity जाता है, ये positive integers होते हैं. Okay, dear students? Convergent sequence. Dear students, हम define करते हैं कि कब कोई sequence जो है, वो convergent sequence कहलाती है. Okay, dear students? Dear students, a sequence Pn in a matrix space XD is said to converge, okay, if there is a point P belonging X with the following property, okay, this sequence in a matrix space is said to converge, okay, this is a matrix space XD. Here we have a sequence in it. कोई sequence है, कहीं पे P1 है, फिर P2 है, फिर P3 है, P4 है, P5 है, P6 है. These are the terms of the sequence and still and infinite many terms are there. Okay. These are infinite many terms of the sequence. Okay. उनमें से चंद एक टर्म्स के मैंने नाम लिख दिए हैं. दिस इज, तो फिर इसमें जो पी है, दिस पी बिलोंगिंग एक्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज दिस, के फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज एन इंटीजर एन सच दैट दिस एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन इंप्लाइज दैट distance between Pn and P is less than epsilon. So, dear student, phir kya hoga? In this case, we also say that Pn converges to P or that P is limit of sequence. And we write, dear students, it like this, that Pn converges to P or limit n tends to infinity Pn is equal to P.
ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगेन कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, इस मैट्रिक स्पेस में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई सीक्वेंस है पी एन, ओके एक हमारे पास कोई पॉइंट पी ऐसा एग्जिस्ट करता है कि इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में उस सीक्वेंस की, दिस इज एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट पी, राइट, ये दिस इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट पी, इसको मैं एन पी एप्सिलॉन कह देता हूं, ओके तो जो पॉइंट्स इस नेबरहुड के अंदर आएंगे उनका डिस्टेंस इस पी से लेस देन एप्सिलॉन होगा, ओके जब भी कोई क्यू डियर स्टूडेंट्स इस एन एप्सिलॉन पी को बिलोंग करता होगा तो उस क्यू का डिस्टेंस इस पी से लेस देन एप्सिलॉन आएगा। डियर स्टूडेंट्स चूंकि पी एन का डिस्टेंस इस जगह पर अगर आप नोटिस करें, ओके चूंकि पी एन का डिस्टेंस इस पी से लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है फॉर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पी एन है ये बिलोंग कर रहे हैं एन एप्सिलॉन पी को फॉर ईच एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। इस खास नंबर एन के बाद सीक्वेंस की जितनी टर्म्स हैं वो सारी की सारी इस पी के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर एग्जिस्ट कर जाती हैं। अगर ऐसा हो कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स सिवाय चंद एक के इस पी के एप्सिलॉन नेबरहुड में अपीयर कर जाएं, तो देन दिस पी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्ज टू द पॉइंट पी। ओके डियर स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को एक दफा फिर हम रीड करते हैं कि सीक्वेंस पी एन इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज सेट टू कन्वर्ज इफ, कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, अगर ऐसा हो, क्या हो कि देयर इज ए पॉइंट पी, एक्स के अंदर ही एक पॉइंट पी हो, उसकी क्या प्रॉपर्टी हो कि जो भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लें, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज एन इंटीजर, हम एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एन ढूंढ सकें कि इस नंबर एन के बाद आने वाली टर्म्स का डिस्टेंस इस पी से लेस देन एप्सिलॉन हो, तो फिर हम कहेंगे कि फिर ये पी एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है पी को, या पी जो है इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस पी एन। मैथमेटिकली इसको राइट डाउन करेंगे कि पी एन कन्वर्जेस टू पी, या लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पी एन इज इक्वल टू पी, राइट डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स इफ पी एन डज नॉट कन्वर्ज देन वी कॉल दैट पी एन डाइवर्जेस, या तो पी एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अगर उस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स सिवाय चंद एक के पी के नेबरहुड के अंदर एग्जिस्ट कर जाएंगी तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स मैं अपनी इस बात को फिर क्लियर करने के लिए फिगर का सहारा लेता हूं कि मेरे पास ये एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, पी एन इस एक्स डी के अंदर एक सीक्वेंस है, इस एक्स डी में एक पॉइंट पी है मेरे पास, इस पी का मैं जो भी एप्सिलॉन नेबरहुड लूं, जो भी वट एवर एप्सिलॉन जितना भी स्मॉल से स्मॉल मैं नेबरहुड लूं, अगर इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स सिवाय चंद एक के सारी की सारी टर्म्स इस नेबरहुड के अंदर आ जाएं, ओके सारी की सारी टर्म्स सीक्वेंस की इनफिनिट मैनी टर्म्स इस नेबरहुड के अंदर आ जाएं,
सिवाय चंद एक के, कुछ टर्म में तो बाहर पड़ी रहे, बाकी सारी की सारी टर्म जो है वो इस नेबरहुड के अंदर आ जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन पी एन एंड पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, दिस इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ओके। यानी पी वन का डिस्टेंस जो है वो तो पी से बेशक लेस देन एप्सिलॉन ना हो, इस तरह से जाते जाते पी एन माइनस वन का डिस्टेंस भी इस पी से लेस देन एप्सिलॉन ना हो, लेकिन इसके बाद जितनी भी टर्में आ रही हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन पी एन एंड पी जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पी एन प्लस वन एंड पी जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, एंड सो ऑन इन्फिनिट मैनी। तो इसको यूं लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पी एन एंड पी लेस देन एप्सिलॉन है जब एन एन के बराबर है या उससे ग्रेटर है, एन जब कैपिटल एन हो जाए या कैपिटल एन से ग्रेटर हो जाए तो तब तो डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो, लेकिन अगर ये एन इस कैपिटल एन से लेस हो, यानी वन है टू है एन माइनस वन तक है, तो फिर बेशक ये लेस देन एप्सिलॉन ना हो, गोया कि फिर ये वाले पॉइंट्स जो हैं पी वन और पी एन माइनस वन ये तो बेशक आउटसाइड द ओपन सफियर नेबरहुड पड़े हुए हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस ओपन सफियर के अंदर अपीयर कर जाएं, तो फिर दिस पॉइंट पी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड सीक्वेंस इज सेट टू बी कन्वर्जेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको इस तरह से बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके पास रियल नंबर्स के अंदर एक सीक्वेंस है, सपोज 1 बाई एन, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की पहली टर्म जो है डियर स्टूडेंट 1 होगी, नेक्स्ट टर्म 1 बाई टू होगी, फिर जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 1 बाई थ्री होगी और 1 बाई फोर होगी, एंड कहीं पर जाकर 1 बाई टेन होगी डियर स्टूडेंट्स, कहीं पे जाकर, और फिर कहीं पे जाके 1 बाई हंड्रेड होगी, एंड स्टिल गोइंग ऑन, इन्फिनिट मैनी टर्म्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं स्केच करने की कोशिश करूं तो ओके, सो दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, सपोज हेयर वी हैव, हेयर सपोज वी हैव टेन, सपोज हेयर वी हैव हंड्रेड एंड सो ऑन, राइट। तो इस जगह पर सपोज दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड फाइव एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, आप देखो कि वन, जब एन को मैंने वन लिया तो मेरे पर पहली टर्म जो सीक्वेंस की आई वो ये आई, जब एन को टू लिया तो वन बाई टू के इक्वल आया, इस जगह पर सीक्वेंस की टर्म आ गई, वन बाई थ्री और इसके करीब आ जाएगी, वन बाई टेन इसके करीब और आ जाएगी। आप देखेंगे कि सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो जीरो की तरफ जाती जा रही हैं, ओके। तो इस टेन के बाद सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी, सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी पी एन, उनका जीरो से डिस्टेंस लेस देन वन बाई टेन हो जाएगा जिस वक्त n जो है वो ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द कैपिटल नंबर n, पॉजिटिव इंटीजर। इस नंबर के बाद इस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स आएंगी उनका डिस्टेंस इस जीरो से लेस देन 1 बाई 10 हो जाएगा, सो दिस इज आवर एप्सिलॉन, राइट राइट। सो अगर आप पहली टर्म का डिस्टेंस जीरो से मेजर करोगे तो वो वन है, दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, व्हाट इज आवर एप्सिलॉन, वन बाई टेन। इसकी सेकंड टर्म जो है वो वन बाई टू है, उसका डिस्टेंस भी जीरो से
वन बाई टू है विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, लेकिन इस सीक्वेंस की जो नाइन्थ जो टेंथ टर्म होगी दैट इज इक्वल टू वन बाई टेन, उसका जीरो से डिस्टेंस इक्वल टू वन बाई टेन है विच इज नॉट लेस देन वन बाई टेन दैट इज इक्वल टू वन बाई टेन, लेकिन इस सीक्वेंस की इलेवंथ टर्म जो है उसका डिस्टेंस जीरो से वन बाई इलेवन है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन वन बाई टेन, और अब जितनी भी टर्में आएंगी उन सारी टर्म्स का डिस्टेंस इस जीरो से लेस देन एप्सिलॉन रहेगा एंड सो ऑन। तो इस बात को मैं यूं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन जब भी ये एन ग्रेटर देन और इक्वल टू इलेवन है। दिस इलेवन इज आवर कैपिटल नंबर, तो दिस जीरो इज आवर पी। तो जब भी ऐसा हम फाइंड कर सकें कि हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऐसा कैपिटल इंटीजर कैपिटल नंबर एन पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ सकें कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स का डिस्टेंस इस पी से लेस देन एप्सिलॉन हो जाए वेन एवर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एन, तो देन दिस सीक्वेंस इज सेट टू कन्वर्ज टू द पॉइंट पी एंड पी इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इसको या तो यूं लिखेंगे कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन इज इक्वल टू पी, या इसको लिखेंगे कि पी एन कन्वर्जेस टू पी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। राइट डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं एस एन को वन बाई एन लूं तो देन दिस इज ए सीक्वेंस जैसा कि मैंने अभी लिया है, और इसकी जो टर्म्स हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, जब एन को वन पुट करेंगे बिकॉज दिस एन ऑलवेज वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, सो फर्स्ट टर्म इज वन, सेकेंड टर्म इज वन बाई टू, थर्ड टर्म इज वन बाई थ्री, फोर्थ टर्म इज वन बाई फोर एंड सो ऑन, एंड कहीं पर जाकर हंड्रेड टर्म वन बाई हंड्रेड एंड स्टिल गोइंग ऑन। डियर स्टूडेंट्स, इस एस एन के ऊपर अगर मैं लिमिट लगाऊं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन ओवर एन, डियर स्टूडेंट आई विल गेट जीरो। तो इट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस एस एन है इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड जीरो इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। राइट डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट सेकेंड सीक्वेंस मैं कंसिडर करता हूं एन स्क्वेयर, इसकी डियर स्टूडेंट्स जो टर्म्स होंगी वो वन स्क्वेयर, टू स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर, फोर स्क्वेयर एंड सो ऑन होंगी। आई कैन राइट एंड हंड्रेड स्क्वेयर एंड सो ऑन। सो यू कैन नोटिस दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वी कैन नॉट फाइंड पी बिलोंगिंग आर फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड पी बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर
एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन. हम कोई ऐसा नंबर नहीं ढूंढ सकते कि उसके बाद सीक्वेंस की टर्म्स किसी नंबर पी के करीब करीब होती जाए. ये डाइवर्ज कर रही है, किसी चीज को कन्वर्ज नहीं कर रही. ओके, सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस. और अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है तो इट मींस कि दिस सीक्वेंस इज ए डाइवर्जेंट. डियर स्टूडेंट, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है. डियर स्टूडेंट, थर्ड एग्जाम्पल में हम ये सीक्वेंस ले रहे हैं, 1 प्लस माइनस 1 टू द रेस पावर n ओवर n. सो एक्चुअली दिस इज द सीक्वेंस, दिस होल इज द सीक्वेंस. ओके, सो इसकी जब हम टर्म्स लिखेंगे तो ये आएगी, जब मैं n को 1 पुट करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1, बिकॉज जिस वक्त n को मैं 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 टू द रेस पावर 1 ओवर 1, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 इट विल बी इक्वल टू 0. ओके, जब मैं n को 2 पुट करूंगा तो पुट करने से ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, बिकॉज माइनस 1 स्क्वेयर इज 1, 1 बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू, मैं चलो इसको इसी तरह से लिखता हूं, नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी 1 प्लस 1 बाई 2. फिर नेक्स्ट टर्म जो होगी जब मैं n को 3 पुट करूंगा तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई 3. ओके, दिस विल बी 1 माइनस 1 बाई 3, राइट. नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी 1 प्लस 1 बाई 4. नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी 1 माइनस 1 बाई 5. नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी 1 माइनस प्लस 1 बाई 6. फिर क्या होगी, 1 माइनस 1 बाई 7 एंड सो ऑन, राइट. सो दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज 1 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 3 बाई 2. थर्ड टर्म इज 1 माइनस 1 बाई 3, दैट इज 2 बाई 3. थर्ड टर्म इज 1 प्लस 1 बाई 4, दैट इज 5 बाई 4, एंड देन 4 बाई 5, एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन. ओके, सो दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. नाउ यू कैन नोटिस दिस सीक्वेंस, जो भी नेक्स्ट टर्म आती जा रही है उसमें डिनोमिनेटर जो है, वन में से डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, राइट. वन में से डिनोमिनेटर इंक्रीज करता जा रहा है. अगर इसकी टर्म्स को यहां पर हम डिपिक्ट करने की कोशिश करें so here 0 on the real line, here I have 1, here 2, 3, 4, 5, 6, say 10, say 100, say 1000 and so on. The first term of the sequence is 0. This is the first term of the sequence. Next term of the sequence is, suppose here we have 1, here we have 1 by 2, okay. The jo ye domain hai, ye domain hai, because it is a function f from n to r, right. This is n,
दिस इज आर, करेक्ट। तो जिस वक्त मैंने एन को वन वन लिया तो मेरे पास जो आंसर है दैट इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म एक्चुअली ऑफ द सीक्वेंस। जब मैंने एन को टू लिया तो मेरे पास आंसर आया थ्री बाई टू, ओके दैट इज 1.5, सो हियर देयर विल बी समवेयर 3/2। तो जब मैंने एन को टू लिया तो मेरे पास जो सेकेंड टर्म आई है वो इस जगह पर आई है, राइट, दैट इज 1 + 1/2 मीन्स 3/2। जब मैंने एन को थ्री लिया तो मेरे पास ये टर्म आई है, ओके एन इक्वल टू थ्री के लिए मेरे पास सीक्वेंस की टर्म आई है 1 - 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/3, ओके 3 - 1/2 2/3, दैट 2/3 इज इक्वल टू 0.69, ओके सो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो इससे थोड़ी सी ऊपर है, हियर इट इज समवेयर, दिस इज द थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1 + 1/4, दैट इज इक्वल टू 4 + 1, दैट इज इक्वल टू 5/4, दैट इज इक्वल टू 1.25, ओके सो जो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस है दिस इज थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1.25, it would be somewhere here, that is 1.25, okay. Fifth term of the sequence jo hai, n is equal to 5, fifth term of the sequence jo hai, that is 1 - 1/5, that is equal to 4/5, that is equal to what, 0.8, 0.8 means somewhere here. So fifth term of the sequence is 0.8 here. Dear student, this is one. आप देख रहे हैं कि इस sequence की terms इस one के about fluctuate कर रही हैं। कभी one से ऊपर चली जाती है, कभी one के नीचे आ जाती है, और ये one के करीब करीब होती जा रही हैं। जैसे जैसे हमारा n इंक्रीज होता जा रहा है तो इस सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं, पहली टर्म जो थी इसकी जीरो आ रही थी और फिर यहां पर आई है, सेकंड टर्म जो है वो इस जगह पे चली गई है, थर्ड टर्म जो है वो इस जगह पर आ गई है, फोर्थ टर्म इधर चली गई है, फिफ्थ टर्म इधर आ गई है, सिक्स टर्म फिर इधर चली जाएगी, सेवन टर्म फिर इधर आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं इस एक सफिशिएंट एन के बाद वो इस जीरो इस वन के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगी, इसके इस इंटरवल के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, ओके इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस इस वन से लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा जिस वक्त ये n ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स, सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अबाउट एप्सिलॉन, ओके दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू अबाउट एप्सिलॉन, जो इस जगह पर होगी उसका भी इस वन से लेस देन एप्सिलॉन होगा, जो टर्म यहां पर होगी उसका भी इस वन से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, सो ये सीक्वेंस वन को कन्वर्ज कर रही है। अगर हम सिंपली इसके ऊपर एन टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करें तो ये वाली टर्म जीरो हो रही है और ये हमारे पास वन के इक्वल आ रहा है, सो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू वन, राइट डियर स्टूडेंट, सो वन इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड, एस एन इज इक्वल टू आयोटा टू द रेस पावर एन, जब मैं एन को वन लूंगा तो ये टर्म आयोटा आएगी, जब मैं एन को टू लूंगा तो आयोटा स्क्वायर आएगी, जब मैं एन को थ्री लूंगा तो आयोटा क्यूब आएगी,
जब n को 4 लूंगा तो आयोटा टू द रेस पावर 4 आएगा, आयोटा टू द रेस पावर 5 आएगा, आयोटा टू द रेस पावर 6 आएगा एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, आप खूब जानते हैं कि आयोटा टू द रेस पावर 1 जो है वो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आयोटा इंटू -1 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा टू द रेस पावर 4 मीन्स आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। आयोटा टू द रेस पावर 5 मीन्स आयोटा इंटू आयोटा टू द रेस पावर 4 दैट इज आयोटा, और आयोटा टू द रेस पावर 4 पहले निकाला है दैट इज आयोटा एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए सीक्वेंस विद आयोटा -1, माइनस आयोटा 1, आयोटा, दिस इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा टू द रेस पावर 6 मीन्स आयोटा स्क्वायर टू द रेस पावर 3 दैट इज -1 टू द रेस पावर 3 दैट इज -1 एंड सो ऑन। सो दिस इज द सीक्वेंस। आप देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस की टर्म्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, किसी एक नंबर को अप्रोच नहीं कर रही, कभी आयोटा हो जाता है, कभी -1 हो जाता है, कभी माइनस आयोटा हो जाता है, कभी आयोटा हो जाता है, कभी माइनस। सो दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव नेक्स्ट। दिस इज इक्वल टू 1, एन को मैं 1 पुट करूंगा तब भी 1 1 1 1 एंड सो ऑन, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ओके ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम 1 is less than epsilon, actually that is 0 for each n is greater than or equal to even 1, right, 1, which is in this case our n. This implies this is convergent and 1 is the limit of this sequence, right dear students. So kuch sequences divergent hoti hain agar wo kisi ek point ko approach na kar rahi ho, aur agar ek point ko approach kar rahi ho to phir wo कन्वर्जेंट होती हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। लेट पी एन बी ए सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स। पी एन कन्वर्जेस टू पी इफ एंड ओनली इफ, सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, एंड हियर Pn is a sequence which converges to P if and only if every neighborhood of P of radius epsilon, for all epsilon, every neighborhood of P contains all but finitely many terms of the sequence Pn. So dear students, as you know, in this statement हमें इफ एंड ऑनली इफ की कंडीशन दी हुई है। हम फर्स्ट पार्ट को लेट करेंगे तो सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे, और फिर सेकंड पार्ट को लेट करेंगे, अस्यूम करेंगे तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सिंपल लॉजिक। तो हम जिस वक्त ये लेट करेंगे कि पी एन कन्वर्जेस टू पी,
तो हम ये प्रूव करेंगे कि पी का जो भी नेबरहुड लेते हैं वो सिवाय चंद एक के बाकी सारी की सारी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस को कंटेन करता है। और डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्सली जब हम ये अस्यूम करेंगे कि एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ द टर्म सीक्वेंस, तो फिर हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ये पी को कन्वर्ज करती है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट में, हम अस्यूम करते हैं दैट Pn converges to P. तो इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट a positive integer n, this is a positive integer n, such that distance between Pn and P is less than epsilon for each n is greater than or equal to n. Right, dear students? Dear students, we know since हमें मालूम है कि Q जो है this belongs to S epsilon P if distance between Q and P is less than delta, is less than epsilon. Okay, dear student, जब भी Q और P के दरमियान distance less than epsilon होगा तो ये Q neighborhood of P के अंदर lie करेगा. अब by this equation A, चूंकि Pn का P से distance less than epsilon है, चूंकि Pn का P से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाई इक्वेशन A, एस डिस्टेंस बिटवीन Pn एंड P इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, implies that this Pn belongs to neighborhood of the point P of radius epsilon for each n is greater than or equal to n, right? Except the first n minus 1 number, baki sare ke sare sequence ki terms jo hain wo isko belong kar rahi hain. That is P1 is not member of n epsilon P, P2 is not member of n epsilon P, so on, Pn minus 1 is not member of n epsilon P, but Pn is a member of n epsilon P, Pn plus 1 is a member of n epsilon P, and so on. Okay, so that is Pn belong करेगा n epsilon P को, बशर्ते के ये n या equal हो या greater हो capital N के, that is सिवाय इन terms of sequence के, except these n minus 1 terms,
all other terms are in the neighborhood of the point P. That is, all terms of the sequence PN are in the neighborhood of P except P1, P2, and PN minus 1. Okay? सिवाय इनके बाकी सारी की सारी टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो इस PN के अंदर लाई करती हैं. तो दैट इज इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आर कंटेन बाय द नेबरहुड ऑफ P, ओके, एक्सेप्ट द फर्स्ट N माइनस वन टर्म्स. सो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्सली हम सेकंड पार्ट को अस्यूम करते हैं. Assume that every neighborhood of P contains all but finite many terms of the sequence. PN. देखिए इसकी स्टेटमेंट को फिर पढ़ते हैं. Contains all सिवाय चंद एक के. ओके, सिवाय चंद एक के. Fix epsilon greater than zero. Okay, then by hypothesis these terms of the sequence belongs to the neighborhood of this radius of the point P. Okay, for say n plus 1, n plus 2 and so on. Okay, because hypothesis ye kehta hai ki is sequence ki infinite many terms all but finite, sari ki sari terms sivay chand ek ke, aur wo jo chand ek hain वो इस n से पहले पहली वाली टर्म्स है. उनके अलावा सारी की सारी टर्म जो है वो हम अस्यूम करते हैं कि वो इस p के नेबरहुड में है. ओके, दैट इज, इसको यूं लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन pn एंड p इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n. ओके, तो इसका मतलब है कि सिवाय चंद एक की सारी टर्म्स जो हैं वो पी के नेबरहुड में है. और यही जो चीज है इसका मतलब है कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी पी एन इज इक्वल टू पी, दैट इज द सीक्वेंस पी एन कन्वर्जेस टू द पॉइंट P. Okay, dear student, this completes the proof. Dear students, हम second theorem को लेते हैं. Dear students, इस theorem में state ये किया गया है कि PN be a sequence in a metric space XD. हमारे पास कोई metric space है XD.
इसमें हमारे पास कोई सीक्वेंस है पी एन, ये उसकी टर्म्स हैं, दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस पी एन। These are the terms of the sequence Pn. This is a sequence. Iski terms hongi P1, P2 and so on. These are the terms of the sequence Pn. Let Pn be a sequence in a metric space XD. If P belongs to X, iska koi ek point P hai aur ek koi aur point P dash hai. And P dash belongs to X. If Pn converges to P, एंड टू पी डैश, देन पी इज इक्वल टू पी डैश। इसको डियर स्टूडेंट्स यूं भी इसकी स्टेटमेंट दी जा सकती है कि प्रूव दैट लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस is unique if it is convergent. अगर sequence convergent है तो फिर प्रूव करो कि उसकी लिमिट यूनिक है। यह पॉसिबल नहीं है कि pn किसी p को भी कन्वर्ज करे और यही pn किसी p डैश को भी कन्वर्ज करे। नो, अगर ऐसा है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। सो जब भी किसी मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेंगे तो वो फिर यूनिक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी मैट्रिक्स स्पेस में एक सीक्वेंस दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को कन्वर्ज करती हो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो किसी एक ही यानी यूनिक ही पॉइंट को कन्वर्ज करती होगी। सो इस थ्योरम में डियर स्टूडेंट्स हमें यह कहा गया है कि अगर कोई सीक्वेंस पी को भी कन्वर्ज करे, पी डैश को भी कन्वर्ज करे, तो फिर प्रूव ये करो कि पी जो है वो पी डैश के इक्वल है, वो दोनों मुख्तलिफ नहीं हो सकते। सो एज ए फर्स्ट इंस्टेंट डियर स्टूडेंट्स मैं लेट करता हूं कि लेट दिस सीक्वेंस पी एन converges to P. तो मैं convergence की definition को apply करता हूं। जब भी कोई sequence convergent होती है तो that is for each epsilon greater than zero there exists a positive integer इस जगह पर मैं उसको n की बजाय n1 का नाम देता हूं, पॉजिटिव इंटीजर n1 सच दैट डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि जब भी कन्वर्जेंट होगी तो जो भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट डिस्टेंस बिटवीन pn और p टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड p is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n1. Right, dear students? So this is our equation number one. Again, we let Pn converges to P डैश, चूंकि स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि ये P को भी कन्वर्ज करती है, P डैश को भी कन्वर्ज करती है। तो जब P को कन्वर्ज करती है तो हमने इक्वेशन नंबर वन को कंस्ट्रक्ट किया है। अब अगर ये P डैश को कन्वर्ज करती है तो देन चूंकि हर एप्सिलॉन के लिए ये बात ट्रू होती है तो देन फॉर ऑलरेडी चूजन
epsilon greater than 0, there exist a positive integer इसको हम उससे मुख्तलिफ हो सकता है इसको हम n2 कह देते हैं सच दैट डियर स्टूडेंट्स होगा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन पी एन एंड पी डैश लेस देन सेम एप्सिलॉन होगा फॉर व्हेन एवर this n is greater than or equal to n2. Dear students, let n is equal to maximum of n1 and n2. इनमें से जो maximum है हम ये real line के ऊपर ले रहे हैं ये हमारे पास set of positive integers n है okay? n है positive integers है ये हमारे पास जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स है इस रियल लाइन के ऊपर हेयर वी हैव जीरो हेयर वी हैव एन हेयर वी हैव टू इस जगह पर हमारे पास एक एन आ गया है सपोज इधर जाकर हमारे पास एन वन आ गया है इधर हमारे पास जाके एन टू आ गया है तो फिर इस इनका मैक्सिमम एन टू है ओके अगर ये सिचुएशन है तो सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस P से लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है जिस वक्त n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n1, ओके और सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस P डैश से लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है जब n इज ग्रेटर देन n2, राइट डियर स्टूडेंट इनमें से जो मैक्सिमम है दैट इज n2, इफ दिस इज द सिचुएशन हो सकता है n1 मैक्सिमम हो तो जब मैं इस मैक्सिमम से ग्रेटर टर्म में लूंगा तो फिर सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस पी से भी लेस देन एप्सिलॉन होगा और पी डैश से भी लेस देन एप्सिलॉन होगा सो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ पी एन एंड पी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड डिस्टेंस बिटवीन Pn and P dash is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n. Now consider D of P and P dash. It can be by triangular property written as D of PPN plus D of PN P dash. Okay? You know we can write this as D of PN P. Chunki jab ye metric space ho to xy is equal to yx plus D of PN P dash. You know that PN P is less than epsilon. Plus P and P dash is less than epsilon, but whenever n is greater than or equal to n. Har waqt P and or P ka distance less than epsilon nahi hai. Only un P and P ka distance less than epsilon hai jab ye n jo hai wo capital N se greater ho ya uske equal ho. Same is the situation with P and P dash. So, dear students, this implies distance between P and P dash is less than 2 epsilon whenever n is greater than or equal to n. Okay, dear students, since epsilon is arbitrary, we can make it as small as we like.
चूंकि आर्बिट्रारी है ना, हम जितना भी छोटे से छोटा एप्सिलॉन लें इट्स ओके, फॉर दैट वी कैन फाइंड पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन वन एंड कैपिटल एन टू, राइट. सो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड पी डैश इज इक्वल टू जीरो फॉर आर्बिट्ररी स्मॉल एप्सिलॉन एंड लार्ज एन. दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू पी डैश. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. राइट डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट, हम बाउंडेड सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं. ए सीक्वेंस पी एन इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज सेट दैट इज पी वन पी टू पी एन एंड सो ऑन इज बाउंडेड. अगर ये सेट बाउंडेड हो ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है. डियर स्टूडेंट्स, कब सेट बाउंडेड होता है? जब वो बाउंडेड अबव हो एज वेल एज बाउंडेड बिलो हो. कब वो बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो होता है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक नंबर एम ढूंढ सकें कि इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स इस एम से लेस हो और माइनस एम से ग्रेटर हो. ओके. और आपको पता है कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर ये रियल सीक्वेंस है तो लेस देन इक्वल टू एम हो, तो देन एम इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. सो सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड. अगर हम कोई ऐसा एम ढूंढ सकें कि वो सीक्वेंस की तमाम टर्म्स उस माइनस एम और एम के दरमियान लाई करती हों, फॉर ऑल एन इक्वल टू वन टू सो ऑन, इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स माइनस एम और एम के दरमियान लाई करती हैं, देन सीक्वेंस इज बाउंडेड. डियर स्टूडेंट, एक और प्रोसीजर भी है कि वी कैन फाइंड ए पी बिलोंगिंग एक्स सच दैट सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उनका इस पी से डिस्टेंस जो है वो लेस देन किसी नंबर एम के आ जाए. ओके. तो फिर भी वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है. सो चाहे ये सिचुएशन अकर करे, चाहे ये सिचुएशन अकर करे, चाहे ये सिचुएशन अकर करे, तो वो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक थ्योरम लेते हैं कि लेट पी एन बी ए सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स, इफ पी एन कन्वर्जेस देन पी एन इज बाउंडेड. और इसकी यूं भी स्टेटमेंट आ सकती है कि प्रूव दैट इन ए मैट्रिक्स स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर वो बाउंडेड होती है, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं. ओके. सो प्रूफ में डियर स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट स्टेप पर लेट करता हूं. स्टेटमेंट कहता है कि इफ पी एन कन्वर्जेस लेट
PN be a convergent sequence and P be the limit of the sequence. कन्वर्जेंट है तो फिर उसकी कोई लिमिट होगी, ओके. तो देन फॉर, चूंकि कन्वर्जेंट है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट a positive integer capital N such that, kya hoga dear students, ke distance between PN and P is less than epsilon for whenever this n is greater than or equal to n, right? So this is by the definition of the convergence of the sequence and by definition of the limit of the sequence. So this p is limit of the sequence, it means sequence is converging towards p. तो इसका मतलब है कि जो भी epsilon greater than zero choose करेंगे उसके corresponding हम एक positive integer n ढूंढ सकेंगे, such that terms of the sequence from p will be less than epsilon. Distance of the terms of the sequence from P is less than epsilon whenever this n is greater than or equal to n. Okay, dear students? Dear students, iski first n minus 1 terms ki baat karte hain. Okay? Okay? Dekhiye ke let R is equal to maximum of distance between P1 and P, distance between P2 and P, distance between so on between PN minus 1 and P or epsilon. चूंकि इससे आगे जितने भी PN और P के दरमियान डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस है, इनमें से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हमने R कह दिया है. तो डियर स्टूडेंट फिर होगा क्या, इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन PN एंड P जो है वो लेस देन और इक्वल टू R होगा फॉर ईच n is equal to 1, 2, 3 and capital N and capital N plus 1 and so on. Right, dear students? जब भी ऐसी situation बन जाए तो this implies के this sequence PN is a bounded sequence. Right, dear students? So this completes the proof. So dear students, आज के इस lecture में हमने sequence को define किया है, हमने convergent sequence को define किया है, हमने divergent sequence को define किया है, हमने bounded sequence को define किया है, और dear students, इसके बाद हमने तीन theorems को prove किया है. फर्स्ट थ्योरम में हमने ये कहा है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और किसी पॉइंट पी को कन्वर्ज करेगी तो इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस. सेकंड थ्योरम में हमने कहा है कि अगर कोई सीक्वेंस पी को भी कन्वर्ज करे, पी डैश को भी कन्वर्ज करे, तो फिर वो P और P डैश दोनों बराबर होंगे. और डियर स्टूडेंट्स, थर्ड थ्योरम में
हमने ये कहा है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो फिर वो डेफिनेटली बाउंडेड भी होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक शॉर्ट सी बात को डिस्कस करता हूँ, और वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब सीक्वेंस है तो हम ये डोमेन लेते हैं. डोमेन जो होती है वो वन से स्टार्ट होती है, वन टू थ्री फोर, और किसी जगह पर जाकर हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर एन आ जाएगा, और इधर एन प्लस वन होगा, और फिर एन प्लस टू होगा, और सो ऑन. और डियर स्टूडेंट्स, जो रेंज है वो हमारे पास इस के ऊपर होगी. लिहाजा इस जगह पर अगर हमारे पास कोई नंबर एल आ जाए कि इस सीक्वेंस की टर्म्स इस एन के बाद, ओके, इस अगर ये डिस्टेंस एप्सिलॉन के बराबर है, और ये भी डिस्टेंस जो है ये एप्सिलॉन के बराबर है, तो अगर कोई टर्म इस जगह पर डियर स्टूडेंट होगी तो उसका डिस्टेंस इस एल से, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एल, इस एल से लेस देन एप्सिलॉन होगा. अगर कोई टर्म इस जगह पर है तब भी इसका डिस्टेंस इस एल से लेस देन एप्सिलॉन है. ओके, जो अगर ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो इसके अंदर अंदर जो इस पोर्शन के अंदर सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी उनका डिस्टेंस, वो टर्म्स जो इस पोर्शन के अंदर आएंगी उन टर्म्स का डिस्टेंस इस एल से लेस देन एप्सिलॉन होगा. राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसी सिचुएशन आए कि इससे पहले तो कोई टर्म सपोज यहां पर आ रही है, इसका इस एल से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, अगर कोई टर्म यहां पर आ रही है इसका भी डिस्टेंस इस एल से लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, अगर कोई टर्म इस जगह पर आ रही है इसका भी डिस्टेंस एल से लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, अगर कोई टर्म इस जगह पर आ रही है एल से लेस, लेकिन इस खास नंबर एन के बाद, इस नंबर एन के बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स आए वो सारी की सारी इस रीजन के अंदर आती रहे, वो इस रीजन से बाहर ना जाए. ओके, इस रीजन से बाहर ना जाए तो इसका मतलब यह होगा कि इस सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से लेस है, इस एल से, इस सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस इस एल से लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन वो वाली सीक्वेंसेस जो एन या उसके बाद आ रही हैं, इससे पहले वाली जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस बेशक इस एल से लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, लेकिन इस अगर हम ऐसा नंबर ढूंढ सकें, इफ वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर, कैपिटल एन, सच दैट क्या हो जाए कि इस एन के बाद जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनका डिस्टेंस अगर इस एल से लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस इस नंबर एल को कन्वर्ज करती है. और अगर हम कोई ऐसा एन ना ढूंढ सकें, यानी इसके बाद भी कभी टर्म यहां पर आ जाए, कभी टर्म इधर आ जाए, कभी इधर फ्लक्चुएट कर जाए, और हम कोई ऐसा इंटीजर एन ना ढूंढ सकें, तो फिर वो सीक्वेंस जो होगी वो डाइवर्जेंट होगी. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कन्वर्जेंस. इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि इस खास नंबर के बाद एक नंबर हम ऐसा यहां पर हमारे पास
पी इसको अब मैं कह रहा हूं, पहले मैंने एल कहा है कि इधर मैं एक नंबर ऐसा ढूंढ सकूं कि इसकी टर्म्स पहले चाहे जहां पे भी पड़ी हैं, इसके बाद जो है वो इस रीजन के अंदर आना शुरू हो जाएं, और इससे पहले भी वो जहां पे भी पड़ी हैं वो इस रीजन के अंदर आना शुरू हो जाएं, कि इस एन के बाद जितना भी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होने लग जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि उस वो जो सीक्वेंस है वो इस नंबर एल को कन्वर्ज कर गई है, उसकी टर्म्स इसके करीब करीब आ रही हैं, जिसके करीब करीब आ रही हैं, ओके, वो नंबर जो है इस सीक्वेंस की लिमिट कहलाता है, देन दिस एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस इज सेड टू कन्वर्ज टू द नंबर एल, ओके, वी राइट लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी पी एन इज इक्वल टू एल, और डिस्टेंस बिटवीन पी एन एंड एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर एन. राइट डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू very much, dear students.